स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद और पंजाब हरियाणा हिमाचल और जम्मू कश्मीर का नंबर वन न्यूज चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। और शुरुआत करते हैं 25 खबर 25 रिपोर्टर की। सबसे पहले बात पंजाब की। पंजाब के 48 पोलिंग बूथों पर कल पुनर्मतदान होना है और कल होने वाली रीपोलिंग को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी वीके सिंह आज अमृतसर पहुंचे और रीपोलिंग की तैयारियों का जायजा लिया। पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 के लिए 4 फरवरी को वोटिंग हो चुकी है, लेकिन इस दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में गड़बड़ी के चलते पूरे पंजाब में 48 पोलिंग बूथों पर दोबारा से पोलिंग की जानी है। पंजाब के अमृतसर के मजीठा, संगरूर, मानसा सहित कुल 48 पोलिंग स्टेशन पर रिपोलिंग की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। इस बार कोई कोर कसर बाकी न रहे, इस लिहाज से बंदोबस्त का जायजा लेने राज्य चुनाव आयुक्त वीके सिंह खुद अमृतसर पहुंचे। वीके सिंह ने अकाली दल के वर्करों पर लग रहे पैसे बांटने के आरोपों पर उचित कार्रवाई की बात कही। उन्होंने साफ किया कि किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि से सख्ती से निपटा जाएगा। उस पर कार्रवाई हो रही है, जो भी कोई इस तरह का कोई भी जो गैर कानूनी काम है ना, उसको सख्ती से दबाया जाएगा। कोई गैर कानूनी काम नहीं होने दिया जाएगा। अमृतसर लोकसभा सीट से कांग्रेसी उम्मीदवार गुरजीत सिंह औजला की शंका और आरोपों को भी चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। ये हमने सुना नहीं है। देखिए, जहां मशीन खराब हुई थी ना, वहीं ये कराए जा रहे हैं। पंजाब में संगरूर में भी हो रहा है, मुक्तसर में भी हो रहा है, और मोगा में भी एक पोलिंग स्टेशन पर, सरदूलगढ़ में भी हो रहा है। इस बार सर क्या ज्यादा मशीनें रखी जा रही है? हाँ, मशीनें भी ज्यादा रखी जाएंगी और तरीका भी बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने। सभी पोलिंग बूथों पर एक्स्ट्रा वीवीपैट और ईवीएम रखी जाएगी, ताकि अगर दोबारा से कहीं गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे तुरंत दूर किया जाए और चुनाव सम्पन्न करवाया जाए। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। मानसा जिले के विधानसभा हलका सरदूलगढ़ में गांव कोरवाला के बूथ नंबर 86 पर कल दोबारा वोटिंग होगी और जी मीडिया ने यहां के चुनाव प्रबंधन का जायजा लिया। इस समय हम खड़े हैं विधानसभा हलका सरदूलगढ़ की गांव कोरवाला में, जहां बूथ नंबर 86 पर मुड़ से मतदान होने हैं। चुनाव कमीशन ने इस पर ईवीएम पर तकनीकी खराबी के चलते दोबारा मतदान कराने का हुक्म दिया है। वोटर हैं मेरे साथ, जानते हैं यहाँ पर दोबारा वोटिंग होनी है, क्या रहेगा मुड़ से, क्यों नो बताइए। सर, बात यह है कि जहाँ हमारे यहाँ स्मूथली वोटिंग हो रही थी, जब एंड में वोटों की यानी कि मशीन को बंद करने लगे, तो उस समय पता लगा कि जो वोटिंग हुई है वो कम हुई है, और जो मशीन शो कर रही है वो यानी कि 57 वोट ज़्यादा शो कर रही थी। इस कारण भी यानी कि साढ़े मानजो डिप्टी कमिश्नर साहब ने उस चीज़ को भी विचारिया, रिव्यू किया, उन्होंने यानी कि चोन कमिश्नर साहब को दोबारा वोटिंग कराने लिए अपील की, बेनती की, जिस के आधार पर चोन कमिश्नर साहब ने फैसला लिया भी इस बूथ की वोटिंग दोबारा करवाई जाए, ता जो कोई जो वोटों के डिफरेंस आया है वो क्लीयर हो सके, तो चोन बिल्कुल साफ सुथरी निरपक्ष हो सके। आप क्या कहोगे, उम्मीदवारों ने दोबारा डोर टू डोर किया, चुनाव प्रचार किया गाँव में? बिल्कुल, तीनों पार्टियां ने, श्रोमणी अकाली दल, कांग्रेस पार्टी, आम पार्टी के उम्मीदवार ने डोर टू डोर साथी समेत कर कर घेरा दिता। सारे वोटर उत्साह ने वोटा पाने लिए तैयार ने। सानू आशा है कल जो वोटा पैनगियां बड़े जोश से उस नाल पैनगियां। सानू भी आप पार्टी वालों उम्मीद है कि सानू पिछली नौ 100-200 वोट वध पवेगी। अच्छा, आप क्या कहेंगे, क्या प्रशासन की गलती से या मशीन की गलती से दोबारा रीवोटिंग हुई है, परेशानियों का सामना करना पड़ा? नहीं, मशीन की गलती में हुई है, कोई प्रशासन की गलती नहीं, कोई रौला नहीं हुआ जी। वैसे तो मशीन की गलती कारण ही मतलब दोबारा चोन करनी पड़ी, कोई पहले नहीं जगह कोई होनी, कोई झगड़े वाली गल कोई जी, बिल्कुल सही मतलब वोटा। लोगों को कहना है कि ईवीएम की तकनीकी खराबी के चलते फिर से मतदान होना चोन कमीशन ने हुक्म दिया है, जिसके चलते प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। मानसा से बलदेव शर्मा, जी मीडिया। वहीं मजीठा हलके में कुछ पोलिंग बूथों पर फिर से चुनाव होने हैं और सियासी हलचल भी शुरू हो गई है, जिसके चलते कांग्रेस उम्मीदवार लाली मजीठिया ने शिरोमणि अकाली दल पर वोटरों को लुभाने के लिए पैसे देने का आरोप लगाया है। आरोपियों से 53,000 रुपए नगद और एक डायरी बरामद होने की बात की जा रही है। मजीठा हलके के 12 पोलिंग बूथों पर चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान का फैसला लिया, तो सियासी पार्टियों ने
एक दूसरे को फिर से निशाने पर लेना शुरू कर दिया। हल्के में कांग्रेस नेताओं ने कुछ लोगों को पुलिस के हवाले किया है और उन पर आरोप लगाया कि वो शिरोमणि अकाली दल को वोट देने के मकसद से वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। ये भी जानकारी मिल पा रही है कि इसके लिए उन्हें कैश बांटा जा रहा था। मजीठा हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार सुखजिंदर राज सिंह लाली मजीठिया ने पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। इस तरह जी तीन आदमी एक गड्डी ते पैसे बंट रहे सीगे वार्ड नंबर 5 दे विच ईदगाह कॉलोनी आ और उन्हां नूं साडे वर्कर्स ने जदों पुछण दी कोशिश कीती ते ओह अग्गे दौड़ गए नूं फड़े गए उन्हां 53,000 रुपया जिहड़ा निकला दी बकायदा वीडियो बणी बकायदा डिटेल दित्तियां अकाली लीडरां दे कि उन्हां नूं 10,000 रुपया दो वोटां दे 4,000 जो 4 वोटां दा 10,000 इस तरह करके सारियां उत्ते डिटेल दा ओह वी सारी ओहदी वीडियोग्राफी होगी। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ SDM ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के पास से 52,000 रुपए और एक डायरी बरामद हुई है जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिते उ जाके देखा तीन बंद ने आप ही राउंडअप किए तो उन्होंने पास जो 55,000 रुपए नगद है कूल की तो उन्होंने पता क्या कानूनी कार्रवाई अगले अमल च लगी जाएगी। कोई ना डेयरी डूरी को मिली इन्होंने डेयरी मिली है वेख के उन्होंने वाच के बन की जी कार्रवाई की। लाली मजीठिया का आरोप है कि अकाली वर्कर इससे पहले भी ऐसे हथकंडे अपनाते रहे हैं। अमृतसर से राजन गोसाई जी मीडिया। रीपोलिंग पर सूबे की सियासत पूरी तरह से गरमा गई है और कांग्रेस ने अकाली दल पर वोटरों को प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। अमृतसर के मजीठा में कुछ पोलिंग स्टेशनों पर वीरवार को रीपोलिंग को लेकर कांग्रेस ने अकाली दल को निशाने पर लिया। कांग्रेस की माने तो अकाली दल हार से बचने की खातिर पैसों के दम पर मतदाता को प्रभावित करने में जुटा है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि सरदार प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल और विक्रम सिंह मजीठिया की करारी हार होना तय है। ये मैं समझना कि गुंडागर्दी के नाल इलेक्शन जितना चाहते हैं। प्रशासन बड़ा मुस्तैद है, इलेक्शन कमीशन बहुत सख्त है, सानू इलेक्शन के उपर और देश के कानून के उपर पूरा भरोसा है। 100% कांग्रेस जीतेगी और पंजाब दिया मैक्सिमम सीटा कांग्रेस जीतन जा रही है। और अगर वो कांग्रेस वाले 60 क्या वो तो 160 भी कह सकते हैं, उसमें क्या है, बातों का बतंगड़ वो हलवा बनाना है तो कुछ भी कह सकते हैं। हकीकत है कि श्रोमणी अकाली और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। पंजाब कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला पर चुटकी ली है। राजकुमार वेरका की माने तो बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। लोगों ने बीजेपी को बख्शा ही नहीं, बीजेपी की कोई सीट आ ही नहीं रही और सांपला साहब केड़े मुंह दे नाल कह रहे हैं। लेकिन सांपला साहब ये कहन कि ले जी बीजेपी हार दी है उतों ते इतों केंद्र दे मंत्री तो रिजाइन करने कहने थे इस गल वास्ते ये आप भी डुबणगे अकाली दल भी डुबणगे। झूठे आरोप तो लगाए जा सकते हैं और उल्टी सीधी प्लानिंग भी की जा सकती है और इसे मान लेना चाहिए कि जो आरोप लगाने वाले होते हैं वो खुद ये मान चुके होते हैं कि उनका भी इसमें उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है और इसमें खुद ही मान रही है कि उनको कुछ नहीं मिलने वाला। पंजाब कांग्रेस सूबे में 70 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा ठोक चुकी है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नोटिस दिया है। मान साहब, आपने शिकायत की है स्पीकर से, क्या शिकायत किया, उसमें क्या कहा है आपने? मैंने ये मांग की है माननीय स्पीकर मैडम से कि कल जिस अंदाज में प्रधानमंत्री ने जानबूझकर मेरी पर्सनल इमेज पर कमेंट किया, उसके बाद ये हंसे, मजाक उड़ाया, वो ऐसा नहीं कर सकते एक चुने हुए सांसद के बारे में, खासतौर पर प्रधानमंत्री जैसा जो गरिमा का पद है। दरअसल मंगलवार को लोकसभा में पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान पर चुटकी ली थी, जिसके बाद पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा था। चिंता किस बात की, कर्ज करो और घी पियो। उस जमाने में संस्कार थे, ले घी कहाँ भाई, भगवंत मान नहीं तो और कुछ पीने का कहते। दूसरों ने वहां संस्कार थे तो उन्होंने घी पीने की बात कही थी, शायद आज का जमाना होता तो कुछ और पीने की चर्चा करनी पड़ती।
इसी तंज से आहत भगवंत मान ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को पीएम के खिलाफ नोटिस सौंपा है। प्रधानमंत्री से क्लेरिफिकेशन मांगी जाए कि क्या कहना चाहते थे, कैसे कहना। असल में तो मुझे पता है कि उन्होंने क्यों बोला है, है तो उनकी बौखलाहट, लेकिन मैं संसद का एक मेंबर हूं तो मेरा हक है, डेमोक्रेटिक राइट है। और मैंने मैडम से कहा कि अगर एक्सपांज नहीं होते ये रिमार्क्स तो फिर मुझे प्रिविलेज कमेटी में जाने की अनुमति दी जाए, मैं अपना पक्ष रखूंगा, प्रधानमंत्री अपना पक्ष रखे। भगवंत मान के मुताबिक आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से प्रधानमंत्री मोदी घबरा गए हैं, इसलिए उन्हें टारगेट किया गया है। सीरियस और टारगेट करने आए थे प्रधानमंत्री मोदी, पहले से योजना थी, ये कहना है भगवंत मान का। रोज शिकायत की है स्पीकर से कि अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो प्रिविलेज कमेटी के पास भी मामले को लेकर जाएंगे। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। आम आदमी पार्टी पंजाब और गोवा में दुनिया भर के चुनावी वादे कर रही है, लेकिन दिल्ली में किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी जनता को मुंगेरी लाल के सपने दिखाकर हर जगह सत्ता हथियाना चाहती है। जी मीडिया के अखबार डीएनए के मुताबिक दिल्ली में सरकार बनाने के करीब 2 साल बाद भी केजरीवाल सरकार जनता से के वादे पूरे करने में नाकाम रही है। केजरीवाल सरकार बजट का अब तक 12,224 करोड़ खर्च ही नहीं कर पाई है। ये पैसा दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और यातायात जैसी जरूरी सुविधाओं पर इस्तेमाल होना था, लेकिन ये रकम दिल्ली सरकार की तिजोरी में पड़ी है। इस मामले में मुख्य सचिव ने दिल्ली सरकार के कई अधिकारियों को तलब कर जवाब मांगा है। साल 2016-17 में दिल्ली का कुल बजट 47,600 करोड़ था, नियोजित बजट 20,600 करोड़ था, जिसमें से 60% यानी 12,224 करोड़ खर्च ही नहीं किया गया। महिला सुरक्षा के लिए आवंटित 200 करोड़ और सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी लगाने के लिए आवंटित 100 करोड़ का फंड यूं ही पड़ा है। केजरीवाल अक्सर केंद्र पर कम पैसे देने का आरोप लगाते हैं, लेकिन सरकारी खजाने में पड़ा पैसा भी केजरीवाल इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। अकाली दल के सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा ने लोकसभा में किसानों के हित में आवाज उठाते हुए कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए केंद्र को स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करनी चाहिए। श्रोमणी अकाली दल को पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्य के किसानों की माली हालत सताने लगी है। पंजाब में चुनाव का शोर थम गया है, सबको 11 मार्च को फैसले का इंतजार है। हालांकि इस बार किसानों की खुदकुशी के मसले पर खूब सियासत हुई, वहीं चुनाव के बाद अकाली दल का किसान प्रेम भी जाग गया है। अकाली दल सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा ने लोकसभा में कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए केंद्र को स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करनी चाहिए। डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन जी ने रिपोर्ट दी है कि जितनी लागत है उससे 50% अधिक ऐड करके उसको MSP में गिना जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ चेयरमैन सर कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट भी जारी की जाए और सिंचाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बोला भी प्रेसिडेंट एड्रेस पे कि हम सिंचाई को प्रायोरिटी देंगे। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्य और केंद्र में अकाली बीजेपी की साझी सरकार है, ऐसे में अकाली दल चुनाव से पहले भी रिपोर्ट लागू करने की खातिर दबाव बना सकता था। अकाली दल के सांसद ने केंद्र सरकार के सामने मांग रखते हुए कहा कि सरकार को किसानों की आमदन बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। दिल्ली ब्यूरो के साथ जगतार सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। आरक्षण समेत 6 मांगों को लेकर हरियाणा में जाट धरने पर बैठे हैं, और इसी बीच सरकार ने जाट आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर सियासत करने वालों को बाज आने की नसीहत दी है। हरियाणा में चल रहे जाट आंदोलन के मसले का हल करने के लिए सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए भी खुले हैं, और कानून व्यवस्था को हानि पहुंचने की सूरत में सरकार सख्त कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है। जाट अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इधर इनेलो ने भी सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है। इस बीच सूबे के मुख्यमंत्री ने स्थिति साफ कर दी है। CM मनोहर लाल का कहना है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है और कानून हाथ में लेने वालों की कोशिश हुई तो सख्ती से निपटने का पूरा बंदोबस्त है। सरकार ने जाट आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर सियासत करने वालों को बाज आने की नसीहत दी है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि क्योंकि जो अवसर, जिस अवसर पर ये सब चल रहा है, वो एक वातावरण जो है इस समय राजनीतिक माहौल जो गर्म है उसके कारण से ये सब हो रहा है, तो इसमें राजनीतिक पार्टियों को
उस प्रकार से भाग नहीं लेना चाहिए था जिस प्रकार से ले रहे हैं। जब तक ये शांतिपूर्वक है हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगर कहीं कोई बात लिमिट से क्रॉस होती है, शांति भंग होने की बात आएगी तो फिर कानून के नाते से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जाट नेता यशपाल मलिक का कहना है कि सरकार से बातचीत करने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है, बेशर्ते बातचीत की जगह रोहतक के आसपास तय की जाए। सरकार की तरफ से फॉर्मल निमंत्रण नहीं आया। जो लोग अधिकारी या जो राजनीतिक लोग थे जो लगे हुए थे इस काम को बात करने में, वो लोग कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी, जो भी उसका अध्यक्ष हो वो वार्ता के लिए बात कर लें, बलहारा जी से कर लें या मुझसे कर लें या ढाका जी से कर लें, और बात करने के बाद जगह निश्चित कर लें। सरकार का दावा है कि इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने देंगे। हरियाणा में इन दिनों जाट आरक्षण की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने जाट आंदोलन को लेकर कहा कि जब तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस पर ठोस आश्वासन नहीं देंगे तब तक वे विधानसभा को नहीं चलने देंगे। अभय चौटाला का आरोप है कि सरकार जाट आरक्षण को लटकाने की नीयत से आगे बढ़ रही है। इधर जाट अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, उधर सियासी खींचतान जोर पकड़ रही है। इसी कड़ी में इनेलो विधायक अभय चौटाला ने सीएम मनोहर लाल को आड़े हाथों लिया। अभय चौटाला ने पलटवार करते हुए कहा कि जब तक जाटों की मांग पूरी करने का ठोस आश्वासन नहीं मिलता तब तक विधानसभा नहीं चलने देंगे। ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी तो पहले दफा चुन करके आए, शायद इनको इस बात का पता नहीं है कि मेरे साथ जो जाएंगे वो भेड़ बकरियां नहीं होंगी, वो भी एमएलए ही होंगे। तो वो एमएलए डट करके इस बात पे खड़े हो जाएंगे कि पहले मुख्यमंत्री ठोस आश्वासन दे, ठोस बात हाउस में करे। अभय चौटाला का आरोप है कि सीएम मनोहर लाल ने जाटों से किया एक भी वायदा पूरा नहीं किया। उन्होंने साफ कहा कि कमेटी का गठन करने की बजाय जाटों की मांगें पूरी करने पर ध्यान दें। मुख्यमंत्री ये तो बताए ना कि कौन कौन सी मांग मानी, अधिकतर मान ली, ये कहना केवल और केवल लोगों को गुमराह करने के लिए। अगर मांगे मान ली तो मुख्यमंत्री टिप्स पे बताए तो सही कि हमने ये मांगे मानी है। और जिस जमीन को लेकर के आज आरोप लग रहे हैं 100% फिर तो कांग्रेस से बड़ा घोटाला भाजपा ने किया है। अभय चौटाला SYL जनसंपर्क अभियान के तहत गांव दड़बा के आम लोगों से रूबरू हो रहे थे। अभय चौटाला ने सीएम खट्टर को जाटों से किए वायदे को पूरा करने की नसीहत दी है। सिरसा से विजय कुमार के साथ नवीन शर्मा, जी मीडिया। गुरुग्राम में पुलिस से बचने के लिए गौ तस्करों ने NSG कैंपस की दीवार फांदी थी और पुलिस की जांच में ये सच सामने आया है। खैड़की दोला में पुलिस का नाका तोड़कर भागे आरोपी गौ तस्कर अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए थे। गुरुग्राम में NSG कैंपस में घुसपैठ की कोशिश का सच सामने आ गया। दरअसल कुछ गौ तस्कर पुलिस से बचने के चक्कर में NSG कैंपस की दीवार फांद कर कूद गए। इस दौरान सुरक्षा कर्मी और तस्करों के बीच फायरिंग हुई जिसके बाद आरोपी वहां से भाग निकले। तस्करों की संख्या 4 बताई जा रही है। वो अंदर कूद गए, वो सोच रहे थे किसी फैक्ट्री वगैरह की दीवार है, तो वो NSG की दीवार थी। और जैसे ही उन्होंने दीवार कूद के अंदर गए तो संतरी ने अलर्ट किया, संतरी ने अलार्म किया उसको, और फिर संतरी ने जवाब ना मिलने पर संतरी ने फायर किया और वो वापस वहां से भाग गए। NSG की तरफ से मिली शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, जबकि पुलिस ने अलग से एक और मामला दर्ज किया। फिलहाल पकड़ी गई गाड़ी के आधार पर बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो इस मामले को लेके हमने जो है एक मानेसर में और एक खिड़की दोला में 2 केस रजिस्टर किए गए हैं। और जो मामला NSC की फायरिंग का था, NSC की कंप्लेंट पर ही हमने उन जो दोषी गण के खिलाफ केस रजिस्टर किया। पुलिस ने तस्करों की गाड़ी को कब्जे में लेकर उनकी पहचान करके तलाश शुरू कर दी है। गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय, जी मीडिया। वहीं गुरुग्राम पहुंचे राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य रेखा शर्मा ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पुलिस को सिर्फ केस क्लोज करने की जल्दी रहती है। उन्होंने आयोग को मिली 125 में से
70 शिकायतों पर सुनवाई की। एनसीडब्ल्यू सदस्य रेखा शर्मा ने यूपी पुलिस को हरियाणा पुलिस से बेहतर करार दिया है। एनसीडब्ल्यू की सदस्य रेखा शर्मा साइबर सिटी से मिली शिकायतों की सुनवाई के लिए पहुंची थी। एक ही दिन में उन्होंने 125 में से 60 शिकायतों का निपटारा कर दिया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ने गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनकी दलील है कि गुरुग्राम पुलिस के जांच अधिकारी केस क्लोज करने में जुटे रहते हैं। मैं यहाँ 125 कंप्लेंट्स के साथ आई हूँ। कल में हमने 70 कंप्लेंट्स ली थी, उनमें से 60 हमने सॉल्व करी और 10 पे हमें आगे बात करनी पड़ेगी पुलिस से भी। उसकी कंप्लेंट पे कार्रवाई करने की जगह वो रेस्पोंडेंट के कहे पर कंप्लेनेंट के ही रिकॉर्ड्स निकलवाकर, फोन डिटेल्स निकलवाकर उसके खिलाफ ही कार्रवाई करके और वो कंप्लेंट क्लोज कर दी उसकी। उधर गुरुग्राम पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि एक दिन साइबर सिटी पहुंचकर लोग बहुत कुछ कह जाते हैं। उन्होंने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। अभी हमारे पास उनकी रिपोर्ट आई नहीं है, जैसी रिपोर्ट आएगी जो भी होगा पॉसिबिलिटीज जो भी उसको इम्प्रूव करने की होगी वो हम करेंगे। हमारे को नहीं लगता अभी मैन पावर की कमी है, इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही है, हर इन्वेस्टिगेशन मेरिट्स पे ही चलती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रेखा शर्मा के मुताबिक साइबर सिटी में महिला पुलिसकर्मी केवल नाम के तौर पर तैनात हैं। गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया। एसिड अटैक के साल 2014 के एक मामले में गुरुग्राम कोर्ट ने दो दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। गुरुग्राम कोर्ट ने साल 2014 के एसिड अटैक मामले में दो दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने राजा और आजाद को इस मामले में दोषी माना है। दोनों ने दिसंबर 2014 में पीड़ित महिला पर उस वक्त तेजाब फेंक दिया था जब महिला अपनी मासूम बच्ची के साथ कहीं जा रही थी। एडीजे विवेक सिंघल की अदालत ने दोनों दोषियों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। जेल में दोषियों की कमाई का 60% हिस्सा पीड़िता को देने का भी प्रावधान किया है। ढाई साल के बाद हमें जो फैसला मिला है ये बहुत संतोषजनक फैसला है और जज साहब ने जिस प्रकार से एक एलाबोरेटिव एग्जेम्पलरी और डेटरेंट फैसला दिया है उससे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। जज साहब ने 452 में जो हाउस ट्रेसपास होता है उसको 3 साल की सजा और 5,000 का जुर्माना लगाया है। 120B में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है। 326A जो एसिड अटैक है जिस पे ये पूरा केस है जो हमारा मुद्दा है उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपए की उन पे जुर्माना लगाया हुआ है। आज मैं तो माननीय अदालत का भी जो है वो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी बहन मेरे साथ जो एडवोकेट है अंजू राउत नेगी जी, महिला होने के नाते इन पर जो इनको भी धमकाया गया एक्यूज पक्ष की तरफ से, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हम सब ने मिलकर आज जो एक्यूज ने उनको सजा दिलवाई है। एसिड अटैक मामले में सजा के ऐलान से पीड़िता खुश है। उनका कहना है कि ऐसे मामले में उम्र कैद की जगह फांसी की सजा होनी चाहिए। सर उनको तो अभी तो कुछ नहीं, उनको तो एक बार फांसी की सजा हो जाए तो वो भी थोड़ा डरे कि हम ऐसा काम ना करें, किसी की लाइफ, किसी की जिंदगी, किसी की बेटी की, किसी की बहू की लाइफ और जिंदगी हम ना बर्बाद करें हम भी। मामले में कुल 3 आरोपी थे जिसमें से 1 सबूतों के अभाव में बरी हो गया है। गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय के साथ अमन कपूर, जी मीडिया। गुरुग्राम के एनएसजी मुख्यालय में आयोजित हुआ 17वां इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म सेमिनार। इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म सेमिनार में कई विदेशी जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने भी शिरकत की। गुरुग्राम के मानेसर स्थित एनएसजी मुख्यालय में 17वां अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। राठौर ने कहा कि आज के दौर में आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। Our Prime Minister has been speaking at all occasions and functions to bring home the point that there is no good terrorist or bad terrorist, and this is a curse of the 21st century, and we all have to live by it, and we find ways to move ahead and keep the nation and the people safe. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने एनएसजी के पराक्रम को जमकर सराहा। उन्होंने इस मौके पर समय समय पर शहादत देने वाले एनएसजी अधिकारियों और जवानों को भी याद किया। We have
Martyrs from the NSG, Major Sandeep Unnikrishnan and Havaldar Gajendra Singh Bisht. I believe there have been about 19 people, soldiers from NSG who've been martyred in the course of operations that NSG has conducted. उन्होंने कहा कि एक जवान के लिए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस के इस्तेमाल से किए जाने वाले हमले सबसे ज्यादा दुखदाई होते हैं। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सोशल मीडिया में एक्टिव आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिनेश सहरावत, जी मीडिया। यूपी चुनाव के लिए आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस यूपी चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही है। समाजवादी पार्टी अपना घोषणा पत्र पहले ही जारी कर चुकी है। लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, प्रभारी गुलाम नबी आजाद, शीला दीक्षित समेत कई कांग्रेसी मौजूद थे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिला आरक्षण, किसानों को मुफ्त बिजली, पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण, बेहतर कानून व्यवस्था, महिलाओं के लिए अलग थाने, सस्ती बिजली और होमगार्ड की समस्याओं को सुलझाने का वादा किया। इंडस्ट्रीज, माइक्रो और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज, होम हैंडलूम और वीवर्स और पावर लूम की बिजली भी उनको सस्ती देने का हमारी सरकार काम करेगी। कांग्रेस यूपी चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही है। समाजवादी पार्टी अपना घोषणा पत्र पहले ही जारी कर चुकी है। समाजवादी पार्टी का लैपटॉप, स्मार्टफोन, प्रेशर कुकर जैसी कई सुविधाएं देने का वादा है। बीजेपी ने लैपटॉप के साथ 1 GB डेटा मुफ्त, गांव में 24 घंटे बिजली, भू माफियाओं के खिलाफ टास्क फोर्स बनाने का दावा किया है। आरएलडी ने सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण, 14 दिनों में गन्ना किसानों का भुगतान और अलग से कृषि बजट का वादा किया है। यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन के बाद कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गाजियाबाद में चुनावी रैली को संबोधित किया। पश्चिमी यूपी का मतदान पहले चरण में है, लिहाजा सभी पार्टियों का एक ही एजेंडा है कि जिसका पश्चिम उसका पूरा उत्तर प्रदेश। यूपी में बीजेपी ने पहले चरण के मतदान में बढ़त हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज गाजियाबाद में पीएम नरेंद्र मोदी ने विजय शंखनाद रैली में अखिलेश यादव और मायावती पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली सरकार क्या कर रही है, मोदी ने ऐसा किया, मोदी ने वैसा किया। अरे जब 2019 का चुनाव आएगा, ये मोदी सामने से आकर के हिसाब देगा, सामने से। अभी तो जिम्मेवारी आपकी है, आप जवाब दीजिए। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि अखिलेश की सरकार बनने के बाद लगा कि यूपी में विकास होगा, लेकिन अखिलेश सरकार ने यूपी को और पीछे ढकेल दिया। नरेंद्र मोदी ने यूपी में महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठाया। हमें लगता था कि नौजवान है, कुछ पढ़ा लिखा है, जरूर कुछ उत्तर प्रदेश में अच्छा करने की कोशिश करेगा, लेकिन 5 साल के भीतर भीतर आपने निराश करके रख दिया, उत्तर प्रदेश का विनाश करके रख दिया। शुरुआत में बीजेपी का गढ़ गाजियाबाद हुआ करता था, लेकिन बीएसपी ने बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाई और बीजेपी का एक भी यहां पर विधानसभा में प्रत्याशी नहीं जीता। इस बार बीजेपी की कोशिश ये है कि यहां पर एक रिकॉर्ड और जीत हासिल करे।